बूंद बूंद सी भक्ति हमारी, तुम जग में समंदर हो मेरे साईं। बूंद बूंद सी भक्ति हमारी, तुम जग में समंदर हो, दुनिया ढूंढे जगत में तुमको, तुम तो मन के अंदर हो। ओम साई राम, नमस्कार प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बाबा ने अपने जीवन काल में द्वारका माई में जो धुनी जलाई, उस अखंड प्रज्वलित धुनी से बाबा जो विभूति देते थे उसकी चमत्कारिक दिव्यता की जितने साईं भक्त उतने ही अनगिनत किस्से हैं, अनुभव भी है। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको दिल्ली की साईं भक्त श्रीमती ललिता नंदवानी जी का अनुभव सुनवाता हूँ, जिसमें उन्होंने बाबा की अगाध लीला और साईं की उदी का महत्व बताया है। आइए सुनते हैं। ओम साई राम, मैं ललिता नंदवानी फ्रॉम दिल्ली। मैं यहाँ पर पिछले मतलब 20-25 साल से मैं बाबा को पास आती हूँ। बाबा मुझे बुलाते हैं, मैं कौन होती हूँ आने वाली, बट मैं दिल्ली में बाबा का मंदिर है सरस्वती विहार साई पीतमपुरा, वहीं से हम लगे हुए हैं। और आज मैं यहाँ शिरडी आई हुई हूँ, बट एक एक्सपीरियंस मुझे मौका मिला है शेयर करने का। मेरा बेटा 8 साल का था, उसको फीवर हुआ था, और वो 8 साल के बच्चे को उठाना इट्स नॉट पॉसिबल। उसको फीवर हुआ था, उस समय मसल्स का प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो वॉक नहीं कर पा रहा था। तो मैं थर्सडे था, डॉक्टर के दिखा के उसको लेके मैं मंदिर चली गई, और मैं कंटिन्यूसली आरती में रोती रही। और सबने बोला कि मैं ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी, बाबा करेंगे। तो मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड आई और उसने मुझे एक तेल दिया, मैंने उसमें विभूति डाली और उसको लगा दिया। नेक्स्ट डे मैं अपनी जैसे पूजा करते हैं, खाना बताते हैं, किचन में थी, तो वो बेटा चल के आ गया जो 3-4 दिन से नहीं चल रहा था। मैंने आके बोला मम्मा मैं चल दिया, और मैं तो बाबा के मंदिर बैठ के इतना रोई जो मेरे घर का मंदिर था। तो ये ऐसे एक्सपीरियंस, उसके साथ एक बार चोट भी लगी थी तो भी मैं बिलीव करके मैं बता भी नहीं पा रही हूँ आपको कि उसके माथे पे चोट लगी और उसी बच्चे के हाथ की अंगूठी का, ये बाबा हमारे को चमत्कार बाद में बताते हैं, उसके अंगूठी का बाबा की पहनी हुई थी, सिर्फ उसको चोट यहीं लगी थी और उसका स्टोन यहीं से टूटा था। बाद में बाबा ने 1-2 दिन बाद उस बच्चे ने बोला मम्मा मेरा स्टोन टूट गया। देन आई रियलाइज़ ये तो चोट इसको यहीं लगी थी, कोई MRI की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस बाबा की ज़रूरत पड़ी। बाबा की विभूति लगाई, उसको ठीक किया, 2 दिन में बच्चा ठीक हो गया। और आज उसी बच्चे को लेके कैनेडा से, अब वो कैनेडा सेटल है, और उसको लेकर मैं यहाँ आई तो हमें काकड़ आरती के पास नहीं मिल रहे थे, तो मैं बड़ा रोई कि हाय बच्चे का मन है कि काकड़ आरती करे, बट बाबा ने, आप मान ही नहीं सकते, बाबा ने इतने अच्छे दर्शन बोले तुझे VIP की ज़रूरत नहीं है, तू मेरी VIP है, तुम बच्चे मेरे ही हो। और हमें इतने सुंदर दर्शन हुए, और हम इतना मजा कर रहे हैं, और हम साई तीर्थ भी होके आए, और हम अब शनि शिंगणापुर जाएंगे, और बाबा ने सारा कुछ करा दिया 2 दिन में। अभी हमारे पास 1 दिन और पड़ा है, अब बाबा क्या क्या कराएंगे मुझे नहीं पता, बट सच कह रही हूँ, बाबा को मानो, उनको विश्वास करोगे ना, आपको सब कुछ मिलेगा, जो नहीं भी मिलना ना वो भी मिलेगा। एक्सपीरियंस मैं हूँ सामने। थैंक यू साईराम।